अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है चैप्टर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड द टॉपिक इज़ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जैसे कि हमें मालूम है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, राइट। ओमेगा हैज़ द वैल्यू -1 प्लस √3 iota upon 2 and omega square has the value -1 minus √3 iota upon 2। और हमने इससे लास्ट वीडियो में इसकी कुछ आइडेंटिटीज़ भी डिस्कस की थी। देयर आर टू आइडेंटिटीज़, वन इज सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल्स टू 0, राइट। और इससे ड्राइव होने वाली दो और मिलती हैं हमें, जो क्या होती हैं, अगर आप 1 को मूव करा के यहाँ ले जाएं, देन देयर विल बी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। अगर आप ओमेगा स्क्वायर को मूव कर दें तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाता है, तो 1 प्लस ओमेगा बच जाता है। इनफैक्ट एक और भी बन सकती है, वो ये कि अगर आप माइनस का ओमेगा वहाँ ले जाएं, ठीक है, तो यहाँ बचता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये 3 आइडेंटिटीज़ वो हैं जो कि हम यूज़ करेंगे टू सॉल्व द एक्सरसाइज। एक और भी हमारे पास आइडेंटिटी आती है, एक्चुअली देयर आर 2 आइडेंटिटीज़ ओनली, 1 इज़ द सम और ये बाकी इसकी ड्राइव फॉर्म है, और एंड द सेकेंड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ इक्वल्स टू 1। क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो 1 के इक्वल होता है। अगर यहाँ से आप चेक करें तो इनको मल्टीप्लाई करा दें तो देयर विल बी ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल्स टू 1, राइट। तो ये आइडेंटिटी है जो बहुत जगह यूज़ होगी, जहाँ भी ओमेगा क्यूब मिलेगा उसकी जगह हम 1 पुट कर सकते हैं, ठीक। या फिर एक और मिल सकती है, वो ये कि ओमेगा इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, मीन्स दीज टू आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, एंड वन मोर इज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा। अब हम इनको और ये जो प्लस वाली है, दोनों आइडेंटिटीज़ हैं, इनको यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे कि कहाँ क्या सूटेबल है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग एक्सरसाइज 20.2। ओके, आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 20.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ इवेलुएट द फॉलोइंग इन विच वी हैव पार्ट 1 इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 4, राइट। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे, हमें क्या करना है, एवेलुएट करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज़, जहाँ हम जितनी पॉसिबिलिटी है आइडेंटिटी अप्लाई करने की वहाँ करेंगे। अब जैसे कि हमने पीछे देखकर आए हैं, हम ये जो एक्स हमारे पास है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे माइनस ओमेगा होल टू द पावर 4, बिकॉज इसके ऊपर होल टू द पावर 4 है एंड 4 इज़ एन इवन नंबर। या फिर आप इसको ऐसे भी खोल सकते हैं कि माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा, 4 पावर को हमने 4 टाइम्स ओपन कर दिया, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, सो इन द एंड वी विल गेट पॉजिटिव ओमेगा 4। तो ओमेगा 4 को हमें ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसा करते हैं, हम ओमेगा क्यूब को अलग ले लेते हैं और ओमेगा को अलग ले लेते हैं। रीज़न है इसका वो ये कि हमारी जो सेकंड आइडेंटिटी थी, वहाँ से हमें मिला था ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1, तो अब हम ओमेगा क्यूब की जगह पुट करेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे ओमेगा, और यहाँ साइड में हम रीज़न दे देंगे बिकॉज ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1, सो वी विल गेट इन द एंड ओनली ओमेगा। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस पार्ट। Okay, let's solve another question. Part 2. 1 minus omega plus omega square. 1 plus omega minus omega square. इसको solve करने के 2 methods हैं। एक तो ये कि आप इन दोनों brackets का product ले लें,
सॉल्व हो जाएगा ऑब्वियसली, वो बहुत, लेकिन वो थोड़ा लेंदी प्रोसीजर होगा बिकॉज इनकी मल्टीप्लिकेशन विल बी लेंदी, राइट? थ्री थ्री टर्म्स हैं. एक काम हम कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि हम क्या करें कि ये जो पॉजिटिव वाली टर्म्स हैं इनको अलग अरेंज कर लें, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर को साथ ले लें और माइनस ओमेगा को बाहर छोड़ दें. और यहाँ ऑलरेडी वन प्लस ओमेगा साथ ही हैं तो इसकी जगह हम माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर देते हैं और माइनस ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह है. यहाँ हम छोटा सा रीज़न देते हैं, बिकॉज वन प्लस ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ये हमें आइडेंटिटी से मिला है. सॉल्व करते करते आइडेंटिटीज़ याद हो जाएंगी, याद होंगी तभी पॉसिबल है, अदरवाइज सॉल्व नहीं हो पाएगा. ओके, अब यहाँ पर वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम पुट कर सकते हैं, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम माइनस का ओमेगा पुट कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स सब्स्टिट्यूट. तो हमारे पास आ गया माइनस का ओमेगा और माइनस ओमेगा अपनी जगह है. और यहाँ इन दोनों को, क्योंकि अब लाइक टर्म्स हो गई हैं, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस का साइन आएगा, माइनस टू ओमेगा स्क्वायर. अब यहाँ भी ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई, ऐड हो जाएंगी, माइनस टू ओमेगा और ये माइनस टू ओमेगा स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस. अब ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, टू टू ज़ा फोर हो गया और ये दोनों मल्टीप्लाई होके बन गए ओमेगा क्यूब. एंड वी नो दैट अगेन ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू वन, सो वी विल पुट हियर वन, सो वी विल गेट फोर ओनली. सो दिस इज योर आंसर. ओके, लेट सॉल्व पार्ट नंबर थ्री. In part 3, we have 2 plus 5 omega plus 2 omega square whole to the power 6. देखें, अगर ये स्क्वायर होता तो मे बी हम इसमें फार्मूला ओपन कर सकते थे या दोनों ब्रैकेट्स को अलग करके प्रोडक्ट लेते, बट क्योंकि पावर 6 है तो अभी पावर की ओपनिंग की साइड हम नहीं जा सकते, ठीक है? बिगर पावर है. हम यहाँ पर ट्राई करेंगे कि यही आइडेंटिटी लगा के इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें और फिर सिक्स पावर को रिजॉल्व करें. उसके लिए अगर आप चेक करें तो हमारे पास जो आइडेंटिटीज़ एक्चुअली, अगर हम इसको देखें या फिर ये वाली भी देखें, जितनी भी इसकी फॉर्म्स हैं उन सब में ये जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं उनके कोफिशियंट्स वन वन हैं, देखें, है ना? जिसको भी देखें वन है या माइनस वन है, लेकिन टू या फाइव नहीं है, राइट? तो हमें पहले टू और फाइव को रिजॉल्व करना होगा, फिर हम इस पर आइडेंटिटी लगा सकते हैं. तो हम ये कर सकते हैं कि आपके पास ये जो टू और टू ओमेगा स्क्वायर है इसको एक जगह ले लेते हैं, टू प्लस टू ओमेगा स्क्वायर, तो फाइव ओमेगा फ़िलहाल हमने नेक्स्ट लिख दिया है. अब आप इसमें से टू को ले सकते हैं, देखें कॉमन, तो आपको मिलेगा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर. अब इसकी जगह आप बहुत इजीली आइडेंटिटी लगा सकते हैं और फाइव ओमेगा इधर और ये आ गया एक और ब्रैकेट ऊपर सिक्स की पावर के साथ. टू को एज इट इज़ रखेंगे. नाउ वी नो दैट कि हमारे पास जो आइडेंटिटी बनती है वो है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा, राइट? सो वी विल पुट हियर माइनस ओमेगा और ये आ गया फाइव ओमेगा अपनी जगह. मल्टीप्लाई करा दें, माइनस टू ओमेगा प्लस फाइव ओमेगा होल टू द पावर सिक्स. नाउ दे आर लाइक टर्म्स, ओमेगा एंड ओमेगा, वी कैन ऐड देम. प्लस माइनस माइनस, फाइव माइनस टू इज थ्री ओमेगा होल टू द पावर सिक्स, राइट? एंड After putting the powers, we will get 3 raised to the power 6 and omega 6. So 3 raised to the power 6 is, I think, 729. And omega 6 means omega cube whole to the power cube, right? So we will get, and we know that
ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन, ये हर बार लिखिए रीज़न, ठीक है, बार बार लिखने से बहुत इजी हो जाएगा, याद भी हो जाता है। 729 और यहाँ आ गया 1 टू द पावर क्यूब इज 1, सो वी हैव आंसर 729। नाउ पार्ट 4, पार्ट नंबर 4 इज माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 होल टू द पावर 4 प्लस माइनस 1 माइनस रूट माइनस अंडर रूट 3 होल टू द पावर 4। अब हमारे पास सबसे पहले जो रूट में माइनस है उसको हम आयोटा बना लेते हैं, माइनस 1 प्लस रूट 3, और ये जो माइनस है रूट में वो आयोटा बन गया, प्लस माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा और 4 आ गया। ना ओमेगा है ना ओमेगा स्क्वायर है, बट वी नो कि हमारे पास जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ होती हैं, लेट अस चेक। देखें, ओमेगा होता है माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। प्रॉब्लम इज़ यहाँ 2 नहीं है अपॉन में, ठीक है। अगर हम एक काम करें, 2 को यहाँ मूव करा दें तो ये डिवीजन से चेंज होके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। देयर विल बी 2 ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा, राइट, जो कि देखें तो हमें यहाँ नज़र आ रहा है, राइट। हम इसकी जगह 2 ओमेगा बहुत इजीली पुट कर सकते हैं। नाउ लेट अस चेक फॉर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। फिर सेम करें, यहाँ 2 यहाँ ले जाए तो बनता है 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा, जो कि ये है। सो वी विल पुट हेयर, सो वी विल पुट हेयर, इसकी जगह पुट करेंगे 2 ओमेगा होल टू द पावर 4 विल बी एज इट इज एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। रीजन में ये वाली दो वैल्यूज लिख देंगे, ठीक। आप यहाँ रफ कॉलम वैसे बना के ये सारा भी शो कर सकते हैं। ओके, अभी हमारे पास यहाँ 4 है। ओके, अब हम रिजॉल्व करते हैं पहले पावर को। 2 रेज टू द पावर 4 मीन्स 2 टू द 4, 4 टू द 16 ओमेगा 4 प्लस 16 ओमेगा 2 4 द 8, राइट। अब पावर को हम इस तरह ब्रेक कर लेते हैं कि हम ज़्यादातर क्या करेंगे, क्यूब में ब्रेक करेंगे, सो दैट क्यूब विल बी इक्वल टू 1। पहले 16 को लेते हैं कॉमन और यहाँ लेते हैं ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8, 16 एज इट इज़, और ओमेगा 4 को ब्रेक करेंगे इनटू ओमेगा क्यूब और ओमेगा में प्लस, और ये जो ओमेगा 8 है इसको ब्रेक करेंगे ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब 3 और 3 6 हो गए, और साथ में ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज 16, यहाँ आ गया 1, ये है ओमेगा, ये आ गया 1, ये आ गया 1, और ये आ गया ओमेगा स्क्वायर, और रीज़न में दे दिया ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1, साथ में लिख देंगे, बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। बट ये भी अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, एवेलुएट मीन्स सिंप्लीफाई जितना कर सकते हो। तो 1 प्लस हमेशा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे माइनस का 1, सो वी विल गेट माइनस 16, सो माइनस 16 इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 1 इज 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा 4, 1 प्लस ओमेगा 8, दीज ऑल आर इन द प्रोडक्ट एंड इज इक्वल्स टू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 4। इसमें हमें दोनों साइड पे ओमेगा नज़र आ रहा है, राइट, तो मींस हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी होगी, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, और वो दोनों आपस में इक्वल आएंगे, ठीक है। सो वी विल राइट हेयर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, so we get 1 plus omega square
राइट, यहाँ हम डायरेक्टली आइडेंटिटीज पुट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जितना पॉसिबिलिटी है. वन प्लस ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा, वन प्लस ओमेगा फोर को ब्रेक करते आए हैं अभी तक हम ओमेगा क्यूब और ओमेगा में, और वन प्लस ओमेगा एट को करेंगे इसको रिजॉल्व करेंगे. पहले ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब देखें सिक्स बनते हैं, थ्री प्लस थ्री सिक्स, और एक ओमेगा स्क्वायर बनेगा तो वो एट हो जाएंगे टोटल. इनको मल्टीप्लाई कराते हैं माइनस माइनस प्लस और बनता है ओमेगा क्यूब जो कि अब हम वन पुट कर देंगे. वन प्लस ओमेगा क्यूब, दिस ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू वन ओमेगा आ गया, और वन प्लस ये भी वन ये भी वन, तो आ गया वन इंटू वन डॉट शोज द प्रोडक्ट, ओके, और ओमेगा स्क्वायर आ गया. ओमेगा क्यूब इज वन तो बचता है वन प्लस वन इंटू ओमेगा ओमेगा, वन प्लस वन इंटू वन वन, और इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर. ये वन का वन की वैल्यू ख़त्म हो जाती है. वन प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, एंड वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस का ओमेगा, राइट, माइनस माइनस प्लस एंड वी गेट ओमेगा क्यूब, एंड अगेन ओमेगा क्यूब इज वन. सो ये अभी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है जो कि वन है. नाउ लेट अस टेक द राइट हैंड साइड. सो वी विल राइट हेयर टेकिंग राइट हैंड साइड. आप एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, पूरे एक ही लाइन में लिख कर भी सॉल्व कर सकते हैं. राइट हैंड साइड इज वन प्लस ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर फोर, राइट. सो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इज माइनस का वन होल टू द पावर फोर. इसको ब्रेक कर लें और बनता है पॉजिटिव का वन, right, so we will write here left hand side is equals to the right hand side, proved, right. ऐसे ही सारे प्रूफ करने, लेफ्ट और राइट इक्वल बनानी है, राइट, ओके. लेट सॉल्व पार्ट नंबर टू. इन पार्ट टू वी हैव ए प्लस बी ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब. अगर आप इसमें चेक करें तो देखें आपके पास जो राइट हैंड साइड है उसमें कोई ओमेगा नहीं है, राइट. अगर ओमेगा नहीं है मींस उसको सॉल्व नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारे पास कोई आइडेंटिटी ऐसी नहीं है जो ए बी की फॉर्म में हो. हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, राइट हमें खुद मिलेगी, ठीक है. तो हम सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम इनको आपस में करा देते हैं मल्टीप्लाई वन बाय वन. इसको अभी आगे यही रखते हैं क्योंकि इसके पास कोई ओमेगा नहीं है तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. वी विल सी लेटर कि अगर इसको हम मल्टीप्लाई करा सकें तो ठीक है, अदरवाइज इसको हम एज इट इज़ रखेंगे. हम इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कराने जा रहे हैं. सो ए ओमेगा एंड ए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब. नाउ ए ओमेगा इंटू बी ओमेगा इज इक्वल्स टू ए बी ओमेगा स्क्वायर. नाउ बी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी ओमेगा फोर, राइट. और बी ओमेगा स्क्वायर इंटू बी ओमेगा इज इक्वल्स टू प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यू. यहाँ हम लिख देते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने जा रहे हैं. ओके, ए प्लस बी फिलहाल एज इट इज, and we get a square omega cube is 1 plus ab omega square plus ab omega 4 को break करते हैं, और यहाँ भी b cube is omega cube is 1. a plus b a square plus ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा क्यूब, ये वाला ओमेगा क्यूब वन हो गया और ओमेगा रह गया प्लस बी स्क्वायर. ए प्लस बी
ए स्क्वायर प्लस, यहाँ से हम क्या करते हैं, ए बी को ले लेते हैं कॉमन, ये और ये, इन दोनों में से ए बी को कॉमन लेंगे तो बचता है ओमेगा स्क्वायर प्लस वन, हैज़ नो वैल्यू, यहाँ ओमेगा बचता है और प्लस बी स्क्वायर आ गया। सो वी गेट ए प्लस बी, यहाँ आता है ए स्क्वायर प्लस ए बी, माइनस का वन पुट कर देंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की जगह, और आ गया प्लस का बी स्क्वायर। एंड देन वी गेट ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, राइट। अब अगर आप चेक करें तो ये जो वैल्यू बनती है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वी हैव अ फार्मूला जो हम नाइन्थ क्लास से देख रहे हैं, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फार्मूला होता है ना, राइट। अगर यहाँ माइनस साइन होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, अगर प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाता है। ओके, अब यहाँ हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसकी जगह वैल्यू जब आप पुट करेंगे सो यू विल गेट ए क्यूब प्लस बी क्यूब। साइड में फार्मूला ज़रूर शो करके दिखाएंगे। सो वी हैव द आंसर विच इज़ इक्वल टू द राइट हैंड साइड एंड स्पोर्ट। बस याद रहे दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू सी राइट हैंड साइड पे ओमेगा है या नहीं। अगर ओमेगा की फॉर्म में राइट हैंड साइड में है तो उसको भी सॉल्व करेंगे, और अगर ओमेगा नहीं है तो वो खुद राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, वो आपका प्रूफ हो जाएगा। लेट सॉल्व अनदर पार्ट विच इज पार्ट नंबर थ्री। इन पार्ट थ्री वी हैव ए प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी, ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी प्लस ओमेगा सी ब्रैकेट क्लोज्ड एंड इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये जो बी सी है ये बुक में बी ए रिप्लेस हो गया है, उसको करेक्ट कर लीजिए, इट शुड बी बी सी, ठीक है। तो वहाँ बुक में आप करेक्शन ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस। इसमें भी आप चेक करें राइट हैंड साइड पे देयर इज़ नो ओमेगा, मींस आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी होगी। सो वी विल राइट हियर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ ए प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी, ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी प्लस ओमेगा सी, राइट। इनको हमें मल्टीप्लाई कराना होगा फिर ही कुछ आंसर आ सकता है। तो सबसे पहले ए को मल्टीप्लाई कराएंगे पूरे ब्रैकेट से, सो वी विल गेट ए स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए सी ओमेगा। अब इस ओमेगा बी को कराएंगे, ये जो ओमेगा बी है इसको मल्टीप्लाई कराएंगे पूरे ब्रैकेट से, ठीक। सो वी विल गेट प्लस साइन आएंगे सब में, ओमेगा पहले तो आ जाएगा ए बी ओमेगा प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस बी सी ओमेगा स्क्वायर। अब जब आप नेक्स्ट कराओगे तो नेक्स्ट में आपको ये जो ओमेगा स्क्वायर सी है इसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराना होगा, ठीक। तो हम करा देते हैं ए सी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी सी ओमेगा फोर प्लस सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ठीक। अब हम चेक करते हैं कि हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक। जहाँ ओमेगा क्यूब बन सकता है सब फर्स्ट ऑफ ऑल उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए सी ओमेगा। जहाँ क्यूब मिलेगा पहले उसको रिजॉल्व करने जा रहे हैं, ए बी ओमेगा प्लस
बी स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पर है ओमेगा क्यूब, तो बी स्क्वायर के साथ हम ओमेगा क्यूब को 1 रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा, प्लस बी सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए सी ओमेगा स्क्वायर, ये देखिए ओमेगा 4 है बी सी के साथ, तो हम उसको 1 और ओमेगा में सब्सिट्यूट कर देते हैं, ओमेगा क्यूब है ओमेगा में, ठीक है, तो 1 पुट कर दिया है मैंने डायरेक्टली, और यहाँ लास्ट में ओमेगा क्यूब को 1 पुट कर देते हैं। वी विल गेट ए स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए सी ओमेगा प्लस ए बी ओमेगा प्लस बी स्क्वायर, ये जो 1 है ये ख़त्म हो गया, बी स्क्वायर आ गया, प्लस बी सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए सी ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ गया बी सी ओमेगा और सी स्क्वायर आ गया। अब हम पहले तो इन्हें अलग कर लेते हैं, ए स्क्वायर, ये देखें ये ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को अलग कर लेते हैं, इसके साथ कोई ओमेगा नहीं है और ये वैसे भी हमें राइट साइड पे चाहिए। अब चेक करते हैं हम इनमें कुछ लाइक टर्म्स, देखें यहाँ पर अगर आप चेक करें ए बी वाली टर्म्स, ए बी ओमेगा स्क्वायर है और ए बी ओमेगा के साथ है, इसके अलावा ए बी कहीं भी नहीं है, तो हम यहाँ लेंगे ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा। अब इसमें से हम नेक्स्ट स्टेप में ए बी को कॉमन लेंगे तो फिर आइडेंटिटी बनेगी। अब आप चेक करें बी सी, बी सी ओमेगा स्क्वायर और बी सी ओमेगा है, ठीक है, तो हम यहाँ ले लेते हैं बी सी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी सी ओमेगा, राइट। अच्छा, और अब नेक्स्ट जो है हमारे पास ए सी ओमेगा और ए सी ओमेगा स्क्वायर है, सो वी विल पुट हियर ए सी ओमेगा प्लस ए सी ओमेगा स्क्वायर, ठीक। अब इसमें से हम कॉमन लेना शुरू करते हैं, तो बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, इन दोनों में से आप चेक करें हमें ए बी कॉमन मिल रहा है, तो हम ले लेते हैं ए बी को कॉमन और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बचता है। फिर उसके बाद आप चेक करें इन दोनों में से आ रहा है बी सी कॉमन, तो हम लेंगे बी सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास उसमें हमें इन दोनों में ए सी कॉमन मिल रहा है, सो हम लेंगे ए सी कॉमन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओके। अब आप चेक करें तो देखें ये वैल्यू इज़ इक्वल्स टू -1, दिस वैल्यू इज़ इक्वल्स टू -1 एंड दिस वैल्यू इज़ इक्वल्स टू -1, सो लेट अस सब्स्टिट्यूट। अब हम सबकी जगह -1 पुट करने जा रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी -1 प्लस बी सी -1 प्लस ए सी माइनस का 1, सो वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी विच इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ऐसे ही सारी आइडेंटिटीज देखें प्रूव होती जा रही हैं। ओके, लेट्स सॉल्व पार्ट नंबर 4। In part 4, we have -1 plus iota root 3 upon 2. अब ओमेगा नहीं दिया तो ओमेगा की हमें डायरेक्टली वो वैल्यू दे दी, तो एक ही बात है 9 plus -1 minus root 3 iota upon 2. 9 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, इसमें तो फिर डायरेक्टली पुट कर देते हैं, ये जो फर्स्ट वैल्यू है पॉजिटिव वाली ये हमारे पास ओमेगा होता है और जो सेकंड वैल्यू है वो ओमेगा का स्क्वायर होता है, होल टू द पावर 9 ही रहेगा। ओमेगा 9 को ब्रेक करते हैं क्यूब क्यूब और क्यूब में, इसको ब्रेक करने का एक और भी मेथड है, आप क्यूब को होल क्यूब में भी ब्रेक कर सकते हैं, तो 3 3 9 होता है, ठीक है, एक ही बात है, करने के अंदाज़ डिफरेंट हैं।
ओके, तो हमारे पास ये आ जाता है ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब, और यहाँ आ जाता है ओमेगा स्क्वायर को पहले हम 2 9 18 कर लेते हैं, माइनस का 2 = 0, सो ये सारे 1 हो गए, प्लस 18 को हम कुछ ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, क्यूब में बहुत ज़्यादा तोड़ना पड़ेगा, तो हम 3 होल टू द पावर 6, बिकॉज 3 6 18 होता है। क्योंकि देखिए एक चीज़ है, आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप पावर के ऊपर पावर लगा रहे हैं, सो 3 3 9 बनता है, क्योंकि जब आप पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट के साथ पावर लेते हैं तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, लेकिन जब आप दो क्यूब्स को मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ओमेगा तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन ये जो पावर्स होती हैं ये आपस में ऐड अप हो जाती हैं, और ये ओमेगा 6 देती हैं, नॉट 9, ये हमेशा ओमेगा 6 देंगी क्योंकि आप यहाँ पर पावर्स को ऐड कराते हो। तो ये जो हमने यहाँ पर ब्रेकिंग की थी, ये वाली जो ब्रेकिंग की थी, इसमें 3 सारे ऐड अप होकर 3 + 3 + 3 9 बना रहे थे, लेकिन ये वाली जो ब्रेकिंग हमने यहाँ की है, यहाँ पे 3 और 6 प्लस नहीं होंगे, 3 और 6 मल्टीप्लाई होकर 3 6 = 18 बनाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि 18 बहुत हायर पावर थी, हमें 3 को 6 टाइम ब्रेक करना पड़ता, ओमेगा क्यूब 6 टाइम्स लेना पड़ता, तो 18 बनता, तो ये ज़्यादा कन्वीनियंस था, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन था, तो हमने 3 और 6 में कर दिया, तो 3 6 = 18 हो गया, ठीक। अब सॉल्व करते हैं, आगे लेके जाते हैं इसको, ये तो 1 हो गया, ये क्योंकि ओमेगा क्यूब भी 1 होता है, और 1 के ऊपर कोई भी पावर आ जाए तो वो 1 रहता है, ये 2 हो जाता है -2, सो 0 = 0 आ गया, राइट, बोथ साइड्स आर इक्वल, तो हम यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। सो दिस इज पार्ट नंबर 4, लेट्स सॉल्व पार्ट नंबर 5। इन पार्ट 5 वी हैव 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर क्यूब - 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर क्यूब = 0। यहाँ वही करते हैं, पॉजिटिव वाले पार्ट्स अलग लेके अरेंज कर लेते हैं, ये तो ऑलरेडी अरेंज ही दिया है, देखें 1 + ओमेगा 7 दिया है, इन दोनों को हम साथ ले आते हैं, तो यहाँ ये फिर ऐड अप हो जाएंगे, 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह है, होल का क्यूब भी आ गया, -1 + ओमेगा पहले अरेंज करेंगे, ओमेगा स्क्वायर और -ओमेगा अब पुट करेंगे इसको आगे जाके, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई हैं, -- प्लस हो जाता है, -2 ओमेगा स्क्वायर आ जाता है, -sin, हाँ अब इन दोनों की जगह पुट कर देते हैं, ठीक, जब पुट करेंगे तो हमें मिलेगा -ओमेगा - ओमेगा होल क्यूब = 0, सो वी हैव, ये जब इस पर सॉल्व होगा तो ये 2 की पावर 3 मींस 8 हो जाता है, क्योंकि 3 is an odd power, तो माइनस भी आएगा साथ में, ठीक है, और 2 3 = 6 हो गया, माइनस पहले इनको ऐड अप कर देते हैं, लाइक टर्म्स हैं, -2 ओमेगा होल क्यूब आ गया, और ये आ गया 0, सो आ गया 8, ओमेगा 6 को ब्रेक करते हैं 3 और 3 में, वही बात है, पावर ऐड होके 6 बनाएंगी, माइनस, और यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो फिर से ये -8 हो जाएगा और ओमेगा का क्यूब आ जाएगा 0 अपनी जगह, और यहाँ -8, ये 1 हो गया, ओमेगा क्यूब 1 हो गया, और ये -- हो गया प्लस 8, ओमेगा क्यूब इज 1 = 0, सो वी हैव -8 + 8 = 0, दे विल बी कैंसल्ड एंड वी गेट 0 = 0, हैंस प्रूफ्ड, सेम आ गई, प्रूव हो गया। ये आज की हमारी वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे, हमारी यहाँ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स,
और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।